नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज ये जो सब्ज़ी आप अभी देख रहे हैं, ये गोविंद गट्टे की सब्ज़ी है। हमारे जोधपुर की बहुत फेमस सब्ज़ी है। तो गोविंद गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गट्टे बना लिए थे। गट्टे की जो रेसिपी है वो मैंने आपको पहले बहुत बार बताई है कि गट्टे का डो कैसे लगाना है। तो जो नॉर्मल गट्टे होते हैं उसको एक रोल बनाया जाता है और फिर उबाल के उसे काटा जाता है, जबकि गोविंद गट्टे इस तरह से गोल गोल ही बनते हैं। और गोविंद गट्टे के अंदर बीच में खोया और ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं, उसके बाद में उसके गोले बनाए जाते हैं। हालांकि आज मैंने इसमें खोया ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, लेकिन जो शाही सब्ज़ी बनती है उसमें खोया और ड्राई फ्रूट्स होते हैं गट्टे के बीच में, और उसके बाद में इसे इस तरीके से बॉईल किया जाता है। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि जब गट्टे उबलते हैं उसके बाद में उसे डीप फ्राई किया जाता है, और गोविंद गट्टे को तो घी में फ्राई किया जाता है। हमारे यहाँ शादी ब्याह प्रसंग में खूब बनती है, लेकिन आज मैंने इसे ना घी में फ्राई किया ना तेल में फ्राई किया, बस उबले हुए गट्टों की ही मैं आज सब्ज़ी बनाऊंगी। थोड़ा बहुत अपनी तरह से मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा अपने हिसाब से रेसिपी में ढाला है। तो देखिए, यहाँ 10 मिनट उबलने के बाद में हमारे गट्टे बढ़िया उबल के तैयार हो गए हैं। ग्रेवी बनाते हैं। तेल के अंदर जीरा डाला है। ऑथेंटिक सब्ज़ी घी में बनती है। एक बड़ी इलायची डाली है जिसको थोड़ा सा खोल दिया था मैंने। 2-3 लौंग डाले हैं और साथ ही में तेज पत्ते डाले हैं। इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। खड़े मसाले भून जाए तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज को एकदम बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर मिला लिया है। आप चाहे तो पीस भी सकते हैं। मैंने यहाँ चॉपर में इसे पीस काटा था जो एकदम बारीक हो गया है। हल्का ब्राउन कलर जब आने लग जाए प्याज का, उस समय हमें इसके अंदर अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालना है। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। इसे भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, और जब अच्छे से भून जाए, कलर देखिए कितना बढ़िया हो गया है, हमें मसाले डालने हैं। तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक मिलाएंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है कि हमारे प्याज जो है वो जले नहीं। अब इसके अंदर टमाटर मिलाएंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर पीस लिए थे, बारीक एकदम पीसे हैं, चॉप कर लिए थे और उसको मैंने इसके अंदर मिला लिया है। और अब इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। अमूमन गट्टे की सब्ज़ी जो नॉर्मल बनती है उसमें टमाटर नहीं पड़ते, लेकिन गोविंद गट्टे की सब्ज़ी में टमाटर पड़ते हैं। तो यहाँ टमाटर को हमें अच्छी तरह से पकाना है पानी सूखने तक। उसके बाद में इसके अंदर मैंने यहाँ पे दही मिलाया है। दही हमेशा ताज़ा लेना है, और दही की मात्रा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 100 ग्राम से थोड़ा कम दही मिलाया है, आप 100-150 ग्राम भी मिला सकते हैं। अब दही को हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। अच्छे से जब जाली पड़ने लग जाए, उस समय हमारा दही समझो पक गया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं आधी कटोरी मलाई मिला रही हूँ। ये ताजे दूध पे जो हमारे मलाई आती है वही मलाई है। और आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम या खोया मिला सकते हैं थोड़ा सा। अब मलाई को हम यहाँ पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद में हमारी मलाई अच्छे से एक गाढ़ा पेस्ट बना लेती है। उसके बाद में इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे। पकाते हैं समय थोड़ा हरा धनिया डाल लेना चाहिए, उससे खुशबू घुल जाती है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे उबले हुए गट्टे मिला लेंगे। अगर आपको गट्टे फ्राई करने हैं तो आप यहाँ पे फ्राई करे हुए गट्टे मिलाएं। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर जो हमने गट्टे उबाले थे वो पानी जो बचा है वो पानी इसके अंदर मिला लेंगे। गट्टे का जो उबाल के जो पानी रखा है उसे हमें फेंकना नहीं है। इससे जो इसका झोल है, जो इसकी ग्रेवी है, वो गाढ़ी होगी। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद में इसको एक बार आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको और पतला करना है तो थोड़ा सा गर्म पानी और मिला सकते हैं। अब हम इसे ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट के लिए कम आंच के ऊपर पकाएंगे। आंच हमें कम रखनी है। 4-5 मिनट हमने इसको अच्छा सा ग्रेवी में पका लिया है। काफ़ी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसमें और भी गाढ़ी होती जाएगी ग्रेवी। थोड़ी सी मैंने यहाँ कसूरी मेथी मिलाई है और थोड़ा सा हरा धनिया मिलाया है। सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं।
ये सब्जी शादी ब्याह में हमारे यहाँ बहुत शौक से खाई जाती है और हर शादी में ये सब्जी ज़रूर होती है। आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। गट्टे बनाने की विधि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। रेसिपी कैसी लगी बताइएगा। जल्द मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए साथ बने रहिए, स्नेह बनाए रखिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूं ही प्रेम बना रहे, साथ बना रहे। थैंक यू।